तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे लक्ष्मी शंकर प्रभु जी का, हमें उन्होंने घर पे आमंत्रित किया कीर्तन के लिए, भगवान का कीर्तन और भगवान के बारे में चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें अवसर प्रदान किया कि आपके घर में आके भगवान का कीर्तन करें। मंदिर में तो हम करते ही रहते हैं और आपने आज हमें बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम मंगलाचरण करते हैं सर, भगवान से प्रार्थना करेंगे, फिर हम थोड़ा सा हरि नाम के ऊपर चर्चा करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोवेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हम अभी कीर्तन कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र, तो कोई बोल सकता है कि और कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, केवल यही एक ही लाइन रट रहे हैं ये लोग, और भी तो कितना बढ़िया गाते हैं राधे राधे और मज़ा आ जाता है, नाचते हैं लोग। तो ये जो हम कीर्तन कर रहे हैं ये शास्त्र के अनुसार है, ऐसा नहीं कि मन में आ गया कुछ या कुछ भाव प्रकट हो गए। प्रभुपाद बोलते हैं चार आने का भाव है, चार आने में जो भाव मिलता है वही। तो ये जो कीर्तन है ये शास्त्र के आधार पे है। शास्त्र में जैसे हम सबको पता है चार युग है, चार युग आते हैं सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। तो चार युग में भगवान ने चार साधन दिए हैं जिनके द्वारा हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। जो भी जीवात्मा है भगवान का अंश है। भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं माम एवांस जीव लोक जीव भूत सनातना मनस स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सती। जो जीव है भगवान बता रहे हैं माम एवांस मेरा ही अंश है। जैसे किसी परिवार में माता पिता होते हैं तो बच्चे कौन है, माता पिता के अंश। उसी तरह भगवान माता पिता हैं, जैसे प्रभु जी ने लगा रखा है फोटो सीताराम जी हैं विराजमान, राधा श्याम सुंदर हैं, तो वो माता पिता हैं हमारे, वो सनातन माता पिता हैं, वही नित्य माता पिता हैं और हम सब उनके संतान हैं। तो भगवान बता रहे हैं माम एवांसो मेरा अंश है, तो हम सब भगवान के अंश हैं। तो भगवान ने हम सब जीवात्माओं को चारों युग में अलग अलग रास्ता बताया है जिसके द्वारा हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है
कृतीय अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम तत्कलो हरि कीर्तना। कृते मतलब सतयुग। सतयुग में क्या प्रोसेस है? ध्यान का प्रोसेस है। अभी भी लोग ध्यान की क्लासेस चला रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह। ये ध्यान का जो प्रोसेस है ये कलयुग का नहीं है। कलयुग में मन स्थिर ही नहीं है, ध्यान क्या करेंगे? ध्यान के लिए मन स्थिर होना चाहिए। और यहाँ 50 झंझट है, 50 चिंताएं हैं, तो मन स्थिर नहीं है। तो ये प्रोसेस जो है कलयुग का नहीं है, ये शास्त्र बताते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं ध्यान की क्लासेस कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, और कुछ लोग उनके बहकावे में आके ध्यान भी सीख रहे हैं। बड़े बड़े पेमेंट दे के ध्यान सीखते हैं, बोलते हैं हमें तो बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन क्लास कर लो। ये मेडिटेशन जो वर्ड है ये उनको बिबिल्डर कर देता है। मेडिटेशन, अरे मेडिटेशन करेंगे तो। मेडिटेशन के लिए भगवान जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे गीता का, तो अर्जुन बोले हैं भगवान से कि मेरा जो मन है बहुत चंचल है। भगवान को बोले अर्जुन कि मैं वायु को कंट्रोल करने में सक्षम हूँ, लेकिन मन मेरा कंट्रोल में नहीं हो रहा है। तो अर्जुन जैसा व्यक्ति जो इतना निपुण और कुशल हैं, वो अपने मन को बोल रहे हैं कि मन चंचलम कृष्ण, मन वो है बहुत चंचल है भगवान। तो अर्जुन मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, कलयुग का व्यक्ति बोल रहा है कि हम ध्यान लगा के मन को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये संभव है? अर्जुन का मन कितना संयमित है। देखिए जब द्रोणाचार्य ने बचपन में पूछा निशाना लगाओ, पेड़ पे चिड़िया टांग दिया और बोले कि निशाना लगाओ, तो सब लोग को बुलाया। कोई बोल रहा है, द्रोणाचार्य पूछे क्या दिख रहा है, कोई बोल रहा है कि मेरे को पेड़ दिख रहा है, मेरे को आम दिख रहा है, मेरे को आप भी दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। सब लोग ऐसे ऐसे बताते गए, द्रोणाचार्य किसी को नहीं बोले कि निशाना लगाइए, उस पर बाण चलाइए। लेकिन जब अर्जुन बोले, अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन आप निशाना लगाओ, तो अर्जुन को जब बोला गया, द्रोणाचार्य बोले निशाना लगाने के लिए, तो अर्जुन से पूछे अर्जुन क्या दिख रहा है, अर्जुन बोले मुझे तो बस चिड़िया की आंख दिख रही है। ऐसा व्यक्ति बचपन में जिसका मन इतना नियंत्रित है कि केवल चिड़िया की आंख देख रहे हैं, लक्ष्य को देख रहे हैं, वो व्यक्ति बोल रहा है कि मन चंचलम कृष्ण परमाथि बलवदृढ़ तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। मेरा मन चंचल है, स्थिर नहीं है। लेकिन आज के लोग ध्यान लगा रहे हैं, अर्जुन तो सरेंडर कर दिए भगवान को कि मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो लोग हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। अलग अलग तरीके से लोग बेवकूफ़ बनाएंगे, कोई विपश्यना करवा रहा है, कोई राजयोग ध्यान करवा रहा है, तो इस तरह से लोग अपना अपना दुकान खोले और सामान बेच रहे हैं। तो एक ये भी मार्केटिंग प्रोसेस है, उस तरह से सामान बिक रहा है उनका। फिर ये तो ध्यान हो गया, ध्यान नहीं होगा। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में क्या प्रोसेस है? यज्ञ का। त्रेतायाम यजतो मखई, यज्ञ। त्रेता में यज्ञ प्रोसेस है। तो यज्ञ भी है, कलयुग के लिए नहीं है। कई लोग यज्ञ भी करवा रहे हैं, सौ कुंडी महायज्ञ, सठ चंडी यज्ञ, अलग अलग तरह के यज्ञ हो रहे हैं, लेकिन कलयुग में यज्ञ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण शुद्ध नहीं है। माचिस जला के अग्नि नहीं जलाना है। यज्ञ कब शुद्ध होगा? जब आप मंत्र पढ़ें और अग्नि प्रज्वलित हो जाए। मंत्र की शक्ति से अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। तो ऐसा कोई ब्राह्मण ढूंढ के लाइए जो मंत्र पढ़े और अग्नि प्रज्वलित हो जाए, तो फिर यज्ञ फिर आपका सही होगा। तो लोग यज्ञ करवा रहे हैं लेकिन ऐसा कोई ब्राह्मण है नहीं, और नहीं सामग्री शुद्ध है, सारी सामग्री मिलावटी वाली है। तो यज्ञ भी प्रोसेस सफल नहीं होगा, क्योंकि सामग्री अशुद्ध है तो उसका परिणाम जो है वो प्राप्त नहीं हो पाए। तो यज्ञ भी प्रोसेस नहीं है। फिर आया द्वापर। द्वापर ही परिचर्यायाम। द्वापर में प्रोसेस क्या है? भगवान के भव्य विग्रह हैं, भव्य श्रृंगार है, और भव्य अलंकार और भव्य सामग्री के साथ भगवान का पूजन किया जा रहा है। तो आज क्या है, आज हम भगवान का भव्य श्रृंगार और भव्य अलंकार नहीं कर सकते। एक बार पहना दिया, मंदिर में चले जाइए,
ड्रेस कब बदला था? पिछली जन्माष्टमी में बदला था। मंदिर में जाले लग गए हैं, ड्रेस में जाले लग गए हैं, अब फिर कब बदलेगा? अगली जन्माष्टमी में बदलेगा। तो भगवान का ना तो भव्य श्रृंगार है, ना भव्य आभूषण है, और ना ही हर बार छप्पन भोग लगा सकते हैं। कितने लोग लगा सकते हैं 6 टाइम छप्पन भोग? कोई नहीं लगा सकता। तो ये जो प्रोसेस है ये भी नहीं है। तो फिर क्या प्रोसेस है? तद कलौ हरि कीर्तना। कलयुग में क्या प्रोसेस है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि कोई भी कर सकता है, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, कि बीमार, बच्चा, स्त्री, पुरुष सब कर सकते हैं। तो ऐसी विधि होनी चाहिए। अब मान लीजिए 6 टाइम छप्पन भोग लगाना है, अब लक्ष्मी शंकर बहू तो लगा लेंगे, हम तो नहीं लगा पाएंगे 6 टाइम छप्पन भोग, बाकी लोग नहीं लगा पाएंगे। तो फिर उनके तो हाथ से गया, वो तो नहीं कर पाएंगे भैया, उनको तो भगवान मिलेंगे नहीं। तो भगवान ऐसा प्रोसेस बनाते हैं जो सबके लिए सुलभ हो। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं भगवद गीता में? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेच्छति। पत्ता, फल, फूल, जल, ये भोग लगा दो, संतुष्ट हो जाऊंगा। भगवान अगर फिर बोल देते कि नहीं 56 भोग ही लगाना पड़ेगा, तब तो फिर तो सब लोग नहीं लगा पाएंगे। तो भगवान ऐसा प्रोसेस देते हैं कि सब कोई कर सकता है, क्योंकि भगवान क्या, हमने क्या बताया, भगवान बता रहे हैं माँ में मानसो, तो सब भगवान के हैं, तो भगवान को सबकी चिंता है। अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई टाटा है, कोई बिरला है, कोई उसके यहाँ चपरासी है, वो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार है। तो भगवान को सबकी चिंता है। तो इसलिए भगवान ऐसा प्रोसेस दिए, शास्त्र में बताते हैं, कल संत रणप्रसर में, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में क्या प्रोसेस है? हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, स्पष्ट बोला गया है। तो शास्त्र जब तक नहीं पढ़ेंगे क्या होगा? लोग हमें मिसगाइड करेंगे, कोई ध्यान कराएगा, कोई यज्ञ कराएगा, तो इस तरह से लोग मिसगाइड करते रहेंगे। तो ये जो प्रोसेस है हरिनाम संकीर्तन का, ये शास्त्रों में दिया गया है, शास्त्र में पहले से है। ऐसा नहीं कि कोई बोले इस्कॉन वाले हैं इसको करवाते हैं, इस्कॉन वाले बस हरे कृष्णा करवाते हैं और कुछ उनको सोचता ही नहीं है। तो इस्कॉन वाले नहीं करवाते, ये शास्त्र का विधि, शास्त्र की विधि है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वहाँ पर बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधस, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। बोल रहे हैं क्या कि कृष्ण वर्णम, कृष्ण ही है लेकिन तुषा कृष्णम, काले रंग के नहीं है। संगोपांग अस्त्र पार्षदम, अपने पार्षदों के साथ आके क्या करते हैं? यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधस। वो क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ? यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन यज्ञ करते हैं। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधस, और इस संकीर्तन यज्ञ में कौन भाग लेता है? सुमेधस, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। तो जो बुद्धिमान है वो क्या करेगा? सही प्रोसेस अपना लेगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई, जैसे आपके पास गाड़ी है, गाड़ी में कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो हम, आप और बाकी कॉलोनी के लोग अगर उसको देखें तो हम दिमाग लगाते रहेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उस गाड़ी का जो मैकेनिक है, आप उसको दिखाएंगे एक बार में समझ जाएगा कहाँ दिक्कत है। तो हम भी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़ा लिखा है, लेकिन वो क्या है? वो उस फील्ड में दक्ष है, तो वो उसमें बुद्धिमान है। तो उसी तरह बताया जा रहा है कि यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ति ही सुमेधसा, जो बुद्धिमान होंगे वो सही प्रोसेस अपना लेंगे, वो इधर उधर भटकेंगे नहीं। तो श्रीमद् भागवत में ये एक श्लोक में बताया गया है, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कलयुग में क्या प्रोसेस है? यज्ञ संकीर्तन प्राय, और जो इस कलयुग में इस संकीर्तन यज्ञ में भाग लेगा वो बहुत ही बुद्धिमान है। तो ये शास्त्र बताते हैं हरिनाम की महिमा के बारे में, शास्त्र बता रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में भविष्यवाणी जो है भागवतम में दिया गया है। तो महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो शास्त्र बताते हैं कि जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। सही कृष्ण
सही गौर सही जगन्नाथ, वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ हैं और वही कलयुग में कैसे प्रकट हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो बहुत सारे शास्त्रों में इसका वर्णन है, भविष्य पुराण में, गरुड़ पुराण में, कई सारे पुराण और उपनिषदों में महाप्रभु के वर्णन है। तो महाप्रभु को बहुत लोग नहीं जानते, क्यों नहीं जानते, क्योंकि शास्त्र में महाप्रभु का जो अवतार है उसको गुप्त अवतार बताया गया, गुप्त छुपा हुआ अवतार, सब लोग नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन जो प्रमाणिक विधि, जो प्रमाणिक गुरु परंपरा है उसके अनुसार जो उस विधि का फॉलो करेंगे उनको पता है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो चारों जो परंपरा है वो मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, लेकिन इन परंपरा के बाहर अगर आप किसी से पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, हमने हिस्ट्री की किताब में पढ़ा है, भक्ति आंदोलन शीर्षक है, उसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि पश्चिम बंगाल में एक संत प्रकट हुए जिनका नाम था श्री कृष्ण चैतन्य, तो वो इतना ही जानते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जानते। तो जब तक हम प्रमाणिक विधि और प्रमाणिक व्यक्ति से नहीं सुनेंगे तो वो पता नहीं चलेगा कि ये महाप्रभु कौन है। तो महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और महाप्रभु स्वयं आके, जैसे भगवान ने भगवत गीता में बोल दिया कि सतत कीर्तयन्तो माम, सदैव क्या करो, मेरे नाम का कीर्तन करो। भगवान बता दिए भगवत गीता में, सर्वधर्म प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान ने ये तो ज्ञान दे दिया कि सब कुछ क्या करो, त्याग कर मेरे को समर्पित हो जाओ और मैं फिर क्या करूँगा, तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो भगवान ने ज्ञान दे दिया लेकिन कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो भगवान स्वयं इस विधि को सिखाने आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टीचर हो, छोटा बच्चा है, उसका हाथ पकड़ के उसको लिखना सिखाता है, ए ऐसे लिखो, ए ऐसे लिखो, बी, तो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर को नहीं आता है, टीचर को आता है, टीचर उस बच्चे को हाथ पकड़ के सिखा रहा है कि ऐसे लिखना है। तो उसी तरह महाप्रभु स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है, वो भक्त के रूप में आके हमें सिखा रहे हैं कि ऐसे भक्ति करनी है। तो कलयुग में जो प्रोसेस है बहुत ही सरल बना दिया है, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट प्रोसेस नहीं है, सरलता से। और ये प्रोसेस क्या है, हरिनाम संकीर्तन का, कोई भी कर सकता है, बीमार व्यक्ति हो वो भी कर सकता है, बूढ़ा है वो भी कर सकता है, बच्चा है वो भी कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। हमने कीर्तन किया इसमें कितना खर्चा हुआ, कोई खर्चा हुआ, कोई नहीं। आपके पास कुछ नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हाथे दिया ताली, ताली बजाइए और कीर्तन करिए। हाँ, कुछ नहीं है, करताल मृदंग भी नहीं है, तो ताली बजाइए और कीर्तन करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद यही करके टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में इसी को करके पूरी दुनिया को झुमा दिए, और कुछ नहीं किया, कोई ध्यान नहीं लगाया, कुछ नहीं किए, बस क्या किए, इस कीर्तन के द्वारा, इस भगवान के नाम के द्वारा। क्योंकि ये क्या है, बोल शास्त्र में बताए हैं कि जो कृष्ण भक्ति है वो हमारे अंदर ऑलरेडी है। जैसे आग, ठंडी में आग जलाते हैं ना, आग के ऊपर क्या राख जमा हो जाती है, लेकिन उस राख को हटाएंगे तो नीचे क्या होती है, आग होती है। तो वैसे ही कृष्ण भक्ति सभी जीवात्मा के अंदर इनबिल्ट है। शास्त्र में बताते हैं चैतन्य चैतन्य में कि नित्य तत्व कृष्ण भक्ति साध्य कभु नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कराए उदय। ये जो कृष्ण भक्ति है ये ऐसा नहीं कि इसको किसी को दिया जाता है या किसी को प्रकट कराया जाता है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त, श्रवण करेंगे तो क्या होगा, आपके हृदय में वो अपने आप प्रकट हो जाएगा, वो पहले से है लेकिन ढक गया है। कैसे ढक गया, कई जन्मों के संस्कार हैं, कई जन्मों के संस्कार हैं, उसके द्वारा सब ढका हुआ है। लेकिन ये मानव जीवन में क्या है, ये प्रोसेस है। इसलिए माँ बाप बोलते हैं क्या, चेतु दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कह रहे हो चंद्रिका, तो वहाँ पे बता रहे हैं चेतो दर्पण मार्जनम, किससे होगा ये चेतो दर्पण मार्जनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम,
तो जो हमारा मन है इसमें कृष्ण भक्ति है, लेकिन वो क्या है, ढक गई है कई जन्मों के संस्कारों के द्वारा, वो ढक गया है। और जब हम इस श्री कृष्ण संकीर्तन का, कृष्ण के नाम का जब संकीर्तन करते हैं तो क्या होता है, मार्जन हो जाता है, वो राख जो आग के ऊपर जमा है ना, राख हटा के आप कुछ सूखी लकड़ी या कागज लेके फूंक मारेंगे तो क्या होगा, आग जल जाएगी ना, वो तो वही है। ये हरि नाम के द्वारा, हरि नाम संकीर्तन के क्या द्वारा क्या करते हैं, हमें जो संस्कार पड़े हुए ना कई जन्मों के, उसको साफ करते हैं, साफ हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब हम भक्तों के संग में इस विधि का पालन करते हैं तो फिर वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो ऑलरेडी हमारे अंदर है, उसको क्या करना है, उसको प्रज्वलित करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, संग चाहिए, बिना संग के नहीं होगा। कलयुग में एकांत भक्ति वाला प्रोसेस नहीं है कि गुफा में बैठ गए और ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो ये कलयुग का प्रोसेस नहीं है। कलयुग का प्रोसेस है संकीर्तन, साथ में बैठ के कीर्तन करिए, ये महाप्रभु ने प्रोसेस दिया है। तो महाप्रभु क्या है, महाप्रभु एक डॉक्टर हैं अगर भौतिक दृष्टि से हम समझें, और हम सब जो बद्ध जीव हैं जिनको भाव रोग लगा हुआ है, भाव रोग में ग्रस्त हैं, मेरा ये मेरा वो मेरा ये तेरा वो मेरा ये मेरा, ये भाव रोग है सब। हालांकि सबको पता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी शंकर प्रभु जी आपका कुछ है, प्रभु जी आपका कुछ है, लेकिन अभी अगर आपका सामान ले ले तो फिर हो जाएगी ना, यही भाव रोग है। कहने को तो सबको पता है कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन अभी महाभारत हो जाएगा तुरंत महाभारत, यही भाव रोग है। सब ज्ञानी पंडित बैठे हुए हैं, खाली हाथ जाएं खाली हाथ जाएंगे, लेकिन अभी महाभारत कर देंगे तुरंत, तो ये भाव रोग है। यही कि पता है फिर भी हम कर नहीं पा रहे, हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे, हम छोड़ नहीं पा रहे। तो इसलिए महाप्रभु ये क्या दिए हैं, हम सब भाव रोग से पीड़ित जो व्यक्ति हैं तो महाप्रभु कुशल डॉक्टर हैं, कुशल चिकित्सक हैं, तो हमको ये दवाई दिए हैं। महाप्रभु बोलते हैं कि हेने छी औषधि माया नासी बर लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तो मिलागी। मैंने ये हरि नाम मंत्र लाया है किसके लिए, ये औषधि लाया है आपके लिए, तो ये औषधि है। ये हम जो सब भाव रोग से ग्रस्त हैं, फंसे हुए हैं इसमें, और ये जो दुर्लभ मौका मिला है मानव जीवन का, जिसमें हम इस चीज़ों को समझ के इन विधि का पालन करके यहाँ से छूट सकते हैं। अब मैं नहीं चाहता कोरोना हो, लोग नहीं चाहते, लेकिन फिर भी लोग मर रहे हैं ना, अभी मर गए, अभी सेकंड वेव में कितने लोग चले गए, आपकी कॉलोनी में भी गए, काफ़ी गए ना, वो चाहते थे क्या कि कोरोना हो और मैं मरूँ, हाँ कोई चाहता था कि मुझे कोरोना हो मैं मर जाऊं, नहीं चाहते हुए भी होगा, हाँ कोई नहीं चाहता मैं बूढ़ा हूँ। माता जी आप बूढ़ा होना चाहते हैं, अगर कोई बूढ़ा होना चाहता तो इतने डेंटिंग पेंटिंग की दुकानें क्यों खुली हुई हैं शहर में, वो डेंटिंग पेंटिंग करके जवान बना रहे हैं सबको। ये कोई नहीं चाहता मैं बूढ़ा हूँ मैं बीमार हूँ मैं मरूँ, ये कोई नहीं चाहता, फिर भी होगा, ये आप इसको रोक नहीं सकते। तो मानव जीवन क्या है, इसी चीज़ को, इसी चीज़ से मुक्त होने की प्रोसेस है, इसमें हम आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। हम ये बूढ़ा होना बीमार होना और मरने से क्यों, क्योंकि हम शाश्वत हैं। भगवान बताते हैं हम कौन हैं, शाश्वत हैं, लेकिन हम क्या है, फंस गए हैं इसमें, इस शरीर में फंसे हुए हैं, अभी इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम कभी बीमार ना हों, कभी नहीं बूढ़े हों, कभी नहीं मरे, यही हमारा नेचर है, वास्तव में स्वभाव यही है, लेकिन अभी क्या है, गलत जगह पे फंसे हुए हैं। तो ये जो हरि नाम है, ये जो विधि है, इसके द्वारा हम क्या होंगे, इस जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं उससे मुक्त हो जाएंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे वापस। और वहाँ पे क्या है, जीवन शाश्वत है, कभी बूढ़ा नहीं होना। कृष्ण को बूढ़ा देखा है कहीं, कहीं भगवान राम को बूढ़ा, दाढ़ी हो गई आंखें धस गई हैं, ऐसा कोई फोटो दिखा है, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बड़े हो गए, पक गए बाल, झुर्रियां पड़ गई हैं,
वो शाश्वत जीवन है, शाश्वत हैं भगवान और उनके साथ हम भी शाश्वत हैं। तो हम वो शाश्वत जीवन छोड़ के कहाँ नरक में फंसे हुए हैं, ये मृत्यु लोक में फंसे हुए हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं। तो हम अगर इससे, इन चीज़ों से जो हमारी इच्छा है कि हम कभी बूढ़े नहीं हों, कभी बीमार नहीं हों, कभी मरे नहीं, अगर हम ये चाहते हैं ऐसा जीवन, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस विधि को अपनाना पड़ेगा। बस इस विधि को अपनाने लिए भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि इससे क्या होगा, इससे आपका जो महान भय है उसका नाश हो जाएगा। महान भय क्या है? पता नहीं मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, कहीं से तो आए हैं, कहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं, लेकिन भगवान बताते हैं अगर आप भक्ति के नियमों का पालन करेंगे तो भगवान गारंटी लेते हैं। भगवान बोलते हैं क्या, कौन ते प्रति जाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं हे अर्जुन निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। किसका किसका बोल रहे हैं, किसका विनाश नहीं होगा? नहीं, मेरे भक्त का। तो भक्त बनना पड़ेगा, तो जब तक भक्त नहीं बनेंगे तब तक, और भक्त बनने के लिए सबसे सरल प्रोसेस कलयुग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तपस्या नहीं करनी, कोई अनुष्ठान नहीं करना, कोई यज्ञ नहीं करना, कोई हवन नहीं करना, बस हरे कृष्णा का जप करना है, हो गया। भगवान ने इतना सरल बना दिया प्रोसेस, फ्री का प्रोसेस है। तो ये भगवान ने सुविधा दी है कलयुग के जीवों के लिए। तो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, कुछ सेवाएं हैं अभी मंदिर में। कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई जिज्ञासा? नहीं, देखिए किसी के मानने और नहीं मानने से चीजें सही नहीं हो जाती। शास्त्र के अनुसार है, हाँ। मैं बोलूँ मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानता, तो क्या मेरे मानने से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो जाएंगे? वास्तव में है ना वो, उसी तरह शास्त्र में बताया गया, शास्त्र के आधार पे पता है, प्रोसेस है ना एक। जैसे वकील कोई है, वकील है या जज है, तो कुछ डिसीजन लेता है या कुछ बहस करता है, तो उसके पीछे वो देता है कि आईपीसी की धारा इतने के अंतर्गत ये चीज़ें बताई गई हैं, या इस केस में ये डिसीजन दिया गया था तो इस मुजरिम को ये सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा थोड़ी बोलता है कि मेरी इच्छा है, जज ऐसा कोई बोलता है क्या, मेरी इच्छा है कि इनको ये दे दिया जाए, फांसी दे दिया जाए, या मेरी इच्छा है कि इनको उम्र कैद दे दिया जाए, ऐसा नहीं बोलता। उसकी इच्छा से थोड़ी होगा, तो कुछ प्रोसेस है जिसके आधार पर वो डिसाइड होता है। उसी तरह शास्त्र जो है प्रमाण है, शास्त्र के आधार पर चीज़ें सारी बताई गई हैं, शास्त्र में सारा कुछ उल्लेख है। तो हम जब तक शास्त्र को कंसिडर नहीं करेंगे तो सुनी सुनाई बातें इधर से, वही मैं नहीं मानता, मेरा मानना ऐसा है, आपके मानने से संसार थोड़ी चल रहा है या उनके मानने से दुनिया थोड़ी चल रही है, उन्होंने थोड़ी दुनिया बनाई है कि उनका मानना है, वो कौन से तीस मार्खा हैं, इतने मानने वाले चले गए, आप मानो या नहीं मानो, कोई माने कि नहीं है पुनर्जन्म, ठीक है। तो कई रीइंकारनेशन के केसेस हैं, आप पढ़िए नेट पर जाइए, आप वहाँ पर लिखिए रीइंकारनेशन, कई साइंटिस्ट हैं उसको प्रूफ कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं। हमें फैक्ट देखना चाहिए क्या है, कई लोग कुछ भी बोलेंगे, उनके बोलने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो हमें तथ्य के पीछे जाना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, अगर डाउट है तो उसको क्लियर करें। जैसे किसी घर में बच्चे का जन्म हो रहा है, किसी घर में दो घर में दो बच्चे का जन्म हो रहा है, अलग अलग घर में एक बच्चा पैदा हो रहा है अंबानी परिवार में, ठीक है, एक बच्चा पैदा हो रहा है यहाँ बरेली के झुग्गी झोपड़ी में, बच्चा पैदा करने का प्रोसेस एक ही है, अलग अलग है दोनों जगह? एक ही है ना, दोनों बच्चे के लिए अलग अलग कंडीशन क्यों है, वो वहाँ उसको क्या सुविधाएं और इसको क्या सुविधाएं हैं?
अगर पुनर्जन्म नहीं है, कर्मों के पीछे नहीं है चीजें, कर्म नहीं है, तो दोनों को समान व्यवस्था मिलनी चाहिए ना। ये क्यों कूड़े में से ये क्यों खाना खाएगा और वो सोने के कटोरे में खाएगा? पीछे के कर्म है ना, वो कर्म फॉलो कर रहे हैं उसके। प्रोसेस तो एक ही है जन्म लेने का, लेकिन पीछे के कर्म है, तो वो कर्म उसको उस जगह पे ले आ रहे हैं। तो इसी तरह ये रीइनकार्नेशन मतलब हर व्यक्ति का, भगवान बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान बताते हैं, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं सोचितुमर्हसि। भगवान बताएं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो भगवान बोल रहे हैं, अब कौन क्या बोल रहा है उससे क्या मतलब है हमको? जब भगवान बोल दिए कि जन्म लिया मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म निश्चित है, तो फिर कौन दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है हम उसको क्यों कंसिडर करेंगे? हम तो भगवान की बात सुनेंगे ना। तो जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे क्या होगा, इधर की बात उधर की बात सुन के हम मिसगाइड हो जाएंगे। तो पुनर्जन्म है क्योंकि भगवान बता रहे हैं गीता में, और इसके जो अभी के आधुनिक विज्ञान है, वैज्ञानिक है, उसको प्रूफ भी कर रहे हैं। कई सारे केसेस मिले हैं ऐसे, बच्चे अपने पुनर्जन्म को बता रहे हैं, जाके उसको चेक किया गया वो सही है। तो कैसे बता रहा है? कुछ तो है, शास्त्र में ऐसे ही नहीं है। तो ऐसा है, पुनर्जन्म होता है। अब कैसे पुनर्जन्म होता है? तो हम जो कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, एग्ज़ाम हो रहा है बोर्ड का, वो क्या लिखेगा? जो पढ़ा है पूरे साल वही लिखेगा ना। अगर उसने पढ़ाई नहीं की तो क्या लिखेगा जाके? तो क्या रिजल्ट आएगा उसका? तो पूरे साल जो पढ़ा है वही उसको रिजल्ट आने वाला है। तो हमने पूरे जीवन जो किया है वही हमारा पुनर्जन्म हो रहा होने वाला है। अभी जो हो रहा है वो पीछे के कर्मों के अनुसार, जैसे मैंने आपको बताया ना, दोनों बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनके पीछे के कर्मों के अनुसार उनको जन्म मिल रहा है। तो अभी जो हम कर रहे हैं उससे अगला जन्म तैयार हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? अगर हम भगवान की भक्ति या भगवान जो शास्त्र में बताए हैं उस विधि का पालन कर रहे हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं फिर गारंटी लेता हूँ, अगर हम उस विधि का पालन नहीं कर रहे हैं, केवल हम भौतिक चेतना में जी रहे हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो इस चेतना में अगर जी रहे हैं तो भगवान बता रहे हैं कि क्या अगले जन्म में फिर वो पशु योनि में जाएगा। भौतिक चेतना में जी रहे हैं ना, तो भौतिक चेतना में जी रहा है, मैं मेरा। तो आप देखते हैं कुत्ते भी अपनी इलाका बांट लेते हैं ना। एक कुत्ता दूसरे मोहल्ले में घुस गया तो वो सब इसको भगा देंगे। तो क्या है उसको, वो सेल्फ अपॉइंटेड ऑथोरिटी बन गया उस मोहल्ले का, कोई बनाया नहीं, वो खुद ही घोषित कर दिया कि मैं इस मोहल्ले का हूँ, कोई इसमें घुसने नहीं दूंगा। तो उसी तरह, तो जब तक हम अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड ऑथोरिटी, हाँ मैं यहाँ का हूँ, मैं मालिक हूँ, ये मेरा है, ये ऐसा है, मैं ऐसा सोचता हूँ, तो ये सेल्फ अपॉइंटेड ऑथोरिटी हमने बना लिया अपने आप को। तो हम इस चेतना में जब जिएंगे तो फिर हमें अगले जोनी पशु की मिलेगी। तो अभी का क्या प्रोसेस है, अभी क्या करना है? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, क्यों आया हूँ? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि अगर आप नहीं जन्म लेते तो क्या इस दुनिया में कुछ बिगड़ जाता? कुछ बिगड़ने वाला था? और आप चले जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो फिर आपकी महत्वपूर्णता क्या है, आप क्यों हैं, व्हाट इज पर्पस फॉर यू, आपके होने का कारण क्या है? कुछ तो पर्पस होना चाहिए ना। तो यही पर्पस है। पर्पस क्या है कि हम जो संबंध भूल गए हैं उस संबंध को फिर से जागृत करना, भगवान के साथ जो संबंध भूल गए, ये पशु नहीं कर सकता है। महाभारत में श्लोक बताया गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान एता पशु ही समाना, धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु ही समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन, खाना खाना, सोना, भय अपने जान की भय होना, और बच्चे पैदा करना, ये चार काम मनुष्य और पशु समान रूप से करते हैं। कोई अंतर है? कुत्ता भी खाता है, वो भी सोता है, उसको भी दौड़ाइएगा तो उसको भी डर लगेगा, वो भी भागेगा।
और वो भी बच्चे पैदा करता है। तो अगर यही चार कार्य हम कर रहे हैं पूरे अपने जीवन में, तो महाभारत में श्लोक है कि हम पशु के समान हैं, तो हम कैसे मनुष्य बनेंगे? धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो। अगर जीवन में धर्म नहीं है तो हम पशु से श्रेष्ठ नहीं हैं, हम पशु ही हैं, थोड़े से एडवांस पशु हैं। और वैसे भी पढ़ते हैं हम, मैन इज क्या पढ़ते हैं, मैन इज सोशल एनिमल ही है ना, वहाँ कुछ और लिखा जाता है क्या, मैन इज सोशल एनिमल, तो हम भी एनिमल ही हैं। लेकिन जब तक धर्म नहीं है जीवन में, धर्म क्या करेगा, धर्म क्या है, फिर धर्म क्या है, शनिदेव को पूजना, अगरबत्ती घुमाना, ये धर्म नहीं है। भागवत बताती है कि धर्म क्या है, भगवान जो बोले हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने बोला है वो धर्म है। कोई व्यक्ति धर्म नहीं बना सकता, कोई व्यक्ति अपनी विधि बना दिया, किसी ने किसी को भगवान बना दिया, वो धर्म नहीं है। जो भगवान ने बोला है वो धर्म है। तो अब क्या भगवान ने बोला है, इसके लिए गीता पढ़िए, भगवान ने क्या बोला है, धर्म है क्या, तो वहाँ से पता चलेगा धर्म क्या है। तो जब उसका आप पालन करेंगे तब आप मनुष्य हैं, नहीं तो आप पशु ही हैं। ये शास्त्र के अनुसार है, शास्त्र में ऐसा बताया गया। तो मानव जीवन में ये हमारे पास मौका है कि हम अपनी पहचान को समझें और क्या करना है उस चीज़ को पता करें और उसके अनुसार कार्य करें। नहीं तो फिर यह क्या मतलब, बच्चा पैदा हुआ, 5 साल तक खेलता रहा, स्कूल में नाम लिखा दिया, 20 साल पढ़ाई किया, 25 साल नौकरी लग गई, नौकरी लगी विवाह हो गई, विवाह हो गई बच्चे हो गए, बच्चों का पालन पोषण किया, उनका शादी विवाह किया और मर गया, यही चल रहा है ना। यही चल रहा है और क्या कर रहे हैं, हमने वही किया, हम अपने बच्चों को वही करा रहे हैं, उनके बच्चे उनके बच्चों को वही करा रहे हैं, यही चल रहा है, पीढ़ी से यही काम चल रहा है, और कुछ तो कर नहीं रहे। हाँ, तो शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो यही करते रहेंगे, फिर फंसते रहेंगे। वही व्यक्ति अपने ही घर में क्या बनेगा फिर, जो अपने घर में आसक्त है, शास्त्र बताते हैं वो अपने घर में खटमल बन के आएगा, खटमल बनेगा, चूहा बनेगा, छिपकिल्ली बनेगा। आपके घर में जो खटमल चूहे छिपकिल्ली है ना, वो आपके पूर्वज हैं सब। हाँ, उनको घर से, उसी घर से आ सकती है ना, ये मेरा है, ये मेरा, भगवान बोले ठीक है वहीं जाओ तुम, हाँ वहीं डटे रहो, वहीं डटा हुआ है। हाँ, भगवान क्या है, आप बताइए आप क्या समझते हैं भगवान के बारे में। आप ही बता दिए दोनों आंसर, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, पार्लियामेंट में कितने एमपी हैं, पार्लियामेंट में कितने एमपी हैं, 534-535। हाँ, सभी प्रधानमंत्री हैं, सभी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी तो एमपी है ना, एक वो भी एमपी है ना, या कुछ और हैं, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी चुनाव जीत के वहाँ पहुँचे हैं, तो क्या सारे प्रधानमंत्री हैं, नहीं है ना, एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री है। उसी तरह बाकी सारे क्या हैं, बाकी को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। आप जल विभाग देखो, आप ऊर्जा विभाग देखो, आप मानव संसाधन देखो, आप शिक्षा विभाग देखो, आप ग्रामीण विकास देखो, तो बाकी सारे उन्होंने अपॉइंट कर दिए कि आप ये देखो। तो उसी तरह भगवान एक हैं, और भगवान ने सारी देवी देवताओं को HOD बना दिया है, वो HOD है उस डिपार्टमेंट के, वो भगवान नहीं है, भगवान एक है। शास्त्र में बताया गया है, ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परमा कृष्णा, शास्त्र के आधार पर बोलेंगे, हम अपने मन से कुछ नहीं बोलेंगे। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर बहुत सारे हैं, ईश्वर मतलब नियंता, सूर्यदेव भी नियंता हैं प्रकाश के, जल देव के वरुण जी हैं, तो सबके नियंता हैं। ईश्वर परमा कृष्ण, सारे ईश्वर हैं बहुत सारे, लेकिन परम कौन है,
सुप्रीम कौन है उनका? ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण परम है। ये शास्त्र की वाणी है, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, इसको कौन वाले बोल रहे, नहीं। ब्रह्म संहिता आप निकालेंगे पढ़ेंगे तो ये है उसमें, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद के बने हुए हैं, हमारे जैसे हड्डी मांस खून के नहीं बने, सच्चित आनंद के बने हैं। सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम, न उनका आदि है और न अंत है, और वो सभी चीज़ों के कारण है। ही द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन एंड ऑल ऑफ द जो भी मटेरियल स्पिरिचुअल जो भी है सबके कारण है, वो सब चीज़ के स्रोत हैं। तो ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में, तो हम शास्त्र के आधार पे शास्त्र जैसा बता रहे हैं उसके अनुसार कृष्ण भगवान है। हाँ, अब बोलेंगे कि राम जी कौन है? राम जी भगवान नहीं है क्या? राम जी भगवान नहीं है? हाँ, तो उसी ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी फिर बताते हैं, रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन नाना अवतार अवकरोद भवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभव परमा पुमान गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। रामादि मूर्ति सुकला, राम वरा नरसिंह मत्स्य ये जितने अवतार हैं सब क्या हैं? उन्हीं के अवतार हैं। रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन, ये सारे उनके कलाएँ हैं। चंद्रमा की जैसे कलाएं होती है ना अलग अलग दिन पे, तो उसी तरह भगवान की अलग अलग कलाएं हैं, अलग अलग उद्देश्यों के लिए भगवान अलग अलग रूप लेके आते हैं। मर्यादा की स्थापना करनी थी तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए, हिरण्यकश्यप को मारना था तो फिर नरसिंह भगवान के रूप में आए, तो अलग अलग जब जैसी आवश्यकता होती है भगवान उस रूप में आते हैं। तो क्या बता रहे हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, लेकिन गोविंद कौन है? आदि पुरुष है, उनका मैं भजन करता हूँ, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो शास्त्र के आधार पर जाएंगे तो कृष्ण सबसे सुप्रीम है, और बाकी जारे जो सारे इनकारनेशन है भगवान के वो उन्हीं के विस्तार हैं। तो इस आधार पे कृष्ण परम भगवान है, शास्त्र में ऐसा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम, इसे ये छूटेगा, महाप्रभु बता चुके हैं यही से छूटेगा। चेतो दर्पण मार्जनम, इसी से छूटेगा, महाप्रभु ऑलरेडी बोल चुके हैं चेतो दर्पण मार्जनम परम विजयते, इसको कोई काट नहीं सकता, जैसे छूट जाएगा। और नहीं छूटेगा तो फिर क्या होगा? छिपकली छिपकली कठमल चूहा ये। हाँ, अब इस जन्म में मान लीजिए इस जन्म में आप DRM DM हैं, अगले जन्म में उसी ऑफिस में आप खटमल बन गए, उसी कुर्सी पे खटमल बन गए हैं, और दूसरा जो GM है उसको चूस रहे हैं खून। अब इस DM का खून चूसूंगा मैं। तो ये कोई प्रगति थोड़ी हुई, ये तो बहुत नीचे गिर गए ना। तो इसलिए ये प्रोसेस है शास्त्र के आधार पे। तो जब हम ये कीर्तन करेंगे ना तो इससे क्या होगा, जो ये सारे संस्कार हमारे चेतना पे भरे हैं ना वो साफ हो जाएंगे, फिर दिखने लगेगा साफ साफ, अभी दिख नहीं रहा है। मोतियाबिंद का जो भी पेशेंट होता है ना उसको साफ नहीं दिखता, डॉक्टर क्या करता है उसके ऊपर जो झिल्ली होती है ना उसको हटा देता है। तो हमारे चेतना पे जो झिल्ली लगी हुई ना तो ये महामंत्र क्या करता है उसको साफ कर देता है, फिर दिखने लगेगा सब। तो आप क्लास अटेंड करिए, लक्ष्मी शंकर प्रभु जी आपको हेल्प करेंगे। वही है ना, वो चार आने वाला, चार आने का भाव है वो, चार आना वाला, चार आने का भाव है वो, होता है ना मरकट बैराग्य, शमशान बैराग्य, जब कोई मर जाता है शमशान में जाते हैं उसको फूकने, यही जीवन है, कौन आया कौन लेके गया, और जैसे वहां से फूक के आते हैं, हाँ तो भाई कल का क्या प्रोग्राम है, कल का क्या प्रोग्राम है। हाँ, तो वही है, वही हमारी दिक्कत है। जब मेरे तो मरने तक की फुर्सत नहीं है, ये कहते हैं लोग।
वो फटीचर हो, उसे फुर्सत नहीं है। टीचर बंदर बंदर को भी मरने की फुर्सत नहीं है, वो भी व्यस्त है। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद।